मुझे माफ कर दो, मैं भी क्या करूं, तुम्हारे मरते हुए बाप की ख्वाहिश थी, मजबूर थी। अब ये वाला कर दे, ये कितने का है? 35,000 रुपए। 35,000। एक काम करो, तुम ये रखो, मैं पेमेंट कर दूँ। नहीं, हम सस्ता वाला देख लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। बेटा, मुझे पता भी चले कि ऐसा वहाँ क्या हो गया जो भाभी ने तुम्हें अचानक बुला लिया। अम्मी, आप परेशान मत हो, ऐसे ही बुला लिया होगा, प्लीज आप परेशान मत हो। अच्छा मुझे ये बताओ, भाभी का मूड तो ठीक था ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अम्मी, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, और मुझे शाम में जाना ही तो था, तो मैं अभी चली जाती हूँ। बेटा, अकेले भेजते हुए मुझे अजीब ही लग रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, मैं चादर लेके। अरे अम्मी, रहने देना, आप कहाँ जाएंगी? आप बेफिक्र रहें, मैं आपको कॉल कर दूंगी पहुँच कर, प्लीज आप परेशान मत हो। बेटा, याद से मुझे जाते ही फोन कर देना, वरना तब तक मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। जी अम्मी, मैं कर दूंगी, परेशान मत हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। मेरे साथ मॉल चलो, या मेरा नया कॉलेज शुरू होने वाला है, कुछ बैग वैग तो दिला दो मुझे। सुंबल, अभी बहुत दिन है तुम्हारा कॉलेज शुरू होने में, इधर दो। मैं नहीं दे रही, मेरे साथ मॉल चलो। तुम देती हो या मैं अम्मी को बुलाऊं? मैं नहीं दे रही, और अब लेकर दिखाओ। सुंबल, सुंबल मेरा मैगजीन दो। मैं नहीं दे रही सुधा, तुम मेरे साथ मॉल चलो मुझे। सुंबल, सुंबल बहुत जोर से लग गई है सुधा। अम्मी, अम्मी सुंबल गिर गई है। कितनी दफा मना किया कि मत दौड़ा करो सीढ़ियों पे, तुम मैं जानबूझ के थोड़ी गिर रही हूँ, ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा कमरे तक लेके चलूं, उठ सकती हूँ? तुम अम्मी को बुलाओ। अम्मी, अच्छा थोड़ी कोशिश करो प्लीज, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बहूरानी पैसे खर्च करके, मिल गया तुम्हें घर का रास्ता? मैं समझी नहीं, कैसे पैसे? इतनी अनजान मत बनो, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मेरी अलमारी से तुम पैसे चुरा लोगी, और मुझे पता भी नहीं चलेगा, अंधी हूँ या मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ताई अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आज तक आपकी अलमारी भी खोल कर नहीं देखी, मुझे क्या पता उसमें क्या है क्या नहीं। अच्छा जी, नन्नी हो ना अपनी माँ की तरह, कल को ये कह दोगे कि मुझे तो ये भी नहीं पता आपका कमरा कहाँ है, मैं ये भी नहीं जानती इस घर में कितने लोग रहते हैं, है ना? बस बस, मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी पैदल। अरे घर तक छोड़ाता हूँ। पागल हो क्या, किसी ने देख लिया और भाई को बता दिया, वो तो मेरी टांगे तोड़ देगा। अभी तो मुझे सारी दुनिया देखनी इन टांगों पे। चलो मैं घर निकलती, चलो अल्लाह हाफिज़। चलो बाय। देख रहे हो तुम? ताई अम्मी, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे वाकई नहीं पता, मेरी बात का यकीन करें। बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ वो पैसे कहाँ खर्च किए? माँ को देकर आई हो ना? अरे भूखी मर रही है वो, ये उसी ने कहा होगा कि पैसे चुरा लाओ। ताई अम्मी, आपके मुंह में जो हर है आप कहे जा रही है। मेरी अम्मी ने आप लोगों को पैसे दे दिए, वो वापस क्यों मांगेंगी? और मेरी अम्मी की इतनी गंदी नीयत नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करे। जुबान चला रही हो मेरे सामने? तो ताई अम्मी, आप मुझे जुबान चलाने का मौका ही ना दें। जुबान चलाने का मौका ना दें? बोलो, आप बोलो मेरे सामने। अरे मेरे सामने तो मेरे बेटे नहीं बोल सकते, पर वो जो तुम्हारी माँ है ना, एक जोड़ा रुखसत करने के लिए नहीं था उसके पास, वो भी मैं लेकर आई थी एहसान फरामोश। जुबान चलाओगी मेरे सामने, जाओ दबाओ जाओ यहां से।
जिंदगी अजाब करके रखी हुई। कह रही थी खुद ही फोन करूंगी, जाते पता नहीं किस काम लग गई। फराज भी फोन नहीं उठा रही, सल्ला खैर करे। अच्छी बच्चियां अपने ख्वाब अपनी हैसियत के मुताबिक देखती, शायद रामीन ने तुम्हारे अबू की ख्वाहिश को नजरअंदाज कर देती, लेकिन अब इन बातों के बाद तो मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता हमायों के साथ नहीं कर सकती। क्या मरने वाले की बात जिंदा रहने वालों के दिल से ज्यादा अहमियत रखती है? क्या आप उस फराज को नहीं जानती वो किस किस्म का इंसान है, और फिर ताई अम्मी उस पर कितनी हावी है? लेकिन ये भी जानती कि तुम्हारे अबू की ये आखिरी ख्वाहिश थी। ठीक है, लेकिन अम्मी मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। रामीन, तुम इस रिश्ते से इनकार हुमायूं की वजह से कर रहे हो? और अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि इतनी जल्दी आप हुमायूं की वजह से कर रही हैं? समझ लो, जो तुम्हारी मर्जी है वही समझ लो, मुझे अपने घर की इज्जत को बचाना है। कई दिन से तुम्हारे अब्बा मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, मुझे बुझे से परेशान से, आखिरी वक्त में तुम्हारे रिश्ते की वजह से वो बहुत परेशान थे। चलो उनकी रूह को भी सुकून मिल जाए। एक तो तुम दोनों ना हर वक्त मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत तैयार करके रखा करो। थोड़ी सी देर के लिए मैं घर से बाहर गई हूँ, टांग तोड़वा ली तुमने? अम्मी नहीं, टूटा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सब सलामत है, बस हल्की फुल्की सी मोच है। मेरा मतलब ये है कि इतनी कोई चोट नहीं आई है इसे, और आपको इसका पता ही है, जरा सी लगती है इतना शोर मचा देती है, तो देखने में भी ठीक ठाक ही लग रही है ये। एक तो तुम दोनों ना कभी बड़ी मत होना, पता भी है हुमायूं भी नहीं होता यहाँ पाकिस्तान में, मैं कहाँ लेके भागती फिरूंगी तुम्हें इस वक्त? कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ड्राइवर से कह दिया था, उसने डॉक्टर शफीक को बुला लिया है, वो देख लेंगे इसको। मोहल्ले के डॉक्टर को तो तुम्हें भाई बना के रखा हुआ है। ये लो पानी पियो, अपना ब्लड प्रेशर तुम हाई नहीं करो। मैंने बिल्कुल ठीक किया, उसके साथ यही सुलूक होना चाहिए था, घर में ऐसा कारनामा करेगी तो यही होगा। मैंने भी ऐसी रख रख कर सुनाई है ना, जिंदगी भर याद रखेगी, दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचेगी भी नहीं। गजब खुदा का, पूरा घर खुला पड़ा हुआ है, अरे आज पैसे उठा लिए, कल हम सबको भेज कर आ जाएगी। हाँ और नहीं तो क्या अम्मा। अच्छा ये तो बताओ कि अन्ना वहाँ पे क्यों नहीं आई थी दिनों से? अरे बेटा इसीलिए तो नहीं आई, उसे कुछ दिया जो नहीं, मैं सोच रही थी कि इन पैसों से उसे कुछ दे दिला दूंगी, मुझे क्या पता था कि ये मनहूस घात लगाए बैठी है। हाँ, अम्मा तुम ऐसा करो, नानी को फोन करो, उनको बताओ कि इसकी करतूतें क्या हैं, तो बड़ा नेक पारसा समझती है ना उसे। अम्मा तुम्हारे मामू के घर गई हुई हैं 2 दिन के लिए, अब वहाँ फोन करके उन्हें क्या बताऊं, और वैसे भी अम्मा इधर उधर देखती भी नहीं है, और फौरन फोन पर शुरू हो जाएंगी और हमारी भाभी साहिबा खुश हो जाएंगी। आने दो, 2-4 दिन में एक एक बात बताऊंगी, वो भी सबूत के साथ, देखना तुम। सबूत का क्या मतलब अम्मा? रामीन मान गई या शॉपिंग करके आई है? अरे लाई नहीं है, मगर लाएगी तो सही ना, कभी ना कभी तो कोई नई चीज नजर आ जाएगी, फिर तुम देखना इसकी हालत क्या करती हूँ। अच्छा अम्मा तुम पानी पियो, फिक्र क्यों करती हो, मैं जरा कपड़े बदल के आऊँ। वैसे भी मैंने चोरी थोड़ी की है, पैसे अम्मा के थे भी नहीं, चची ने दिए थे और मेरे चचा की कमाई थी, तो अगर मैंने ले लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। फरा फरा
तुम यहाँ बैठी हो, आज चाय पानी को कोई पूछेगा या सिर्फ रोना धोना ही चलता रहेगा इस घर में। दोपहर भी खाना नहीं खाया मैंने। मेरा प्यारा भाई तुम जाओ, मैं तुम्हारी गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। बड़ी सीधी हो रही हो आज, कहीं रामीन जैसा एक चाटा तुम्हें भी तो नहीं लग गया। कह रही हूँ ना जाओ, आती हूँ मैं। फौरन आ जाओ, कहीं फिर अम्मा को ही ना भेजना पड़ जाए। आओ आहिस्ता। शुक्र करें मामूली चोट है, चंद दिन में आप ठीक हो जाएंगी। ये मेडिसिन है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। अब चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब रोने का क्या फायदा, ये सब कुछ चोरी करने से पहले सोचा चाहिए था ना तुम्हें। अच्छा छोड़ो, चलो मेरे साथ। हाथ मत लगाना मुझे। ऐसे कैसे हाथ ही लगाना, तुम्हारा शौहर हूं, कोई गैर इंसान नहीं हूं जिस तरह बिलबिला रही हो हाथ लगाने पर। और चच्ची को अगर पैसे चाहिए भी थे तो उनसे कहो ना कि चच्चा के पेंशन पे गुजारा करें। अरे भाई तुम्हारा भी तो हक है ना। हाँ मैं कह दूंगी, बार बार ये बात करने की जरूरत नहीं है। किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखो बीबी, यहाँ रहना है ना तो धीमे लहजे में बात करनी है। उठो जाके खाना पकाओ, पूरा घर भूखा मर रहा है तुम्हारे इंतजार में। मैंने नहीं कहा था कि मेरी वजह से भूखे मरो। देखा तुमने, देखा कैसे मेरा हाथ झटक कर गई है, और कह रही है मरती हो तो मरो। अम्मा मैं तो कह रहा हूँ कि चच्ची को फोन करें और बताएं कि उनकी बेटी यहाँ क्या कर रही है। क्यों, तुम मर गए हो क्या जो मैं उसे फोन करूं? अरे तुम्हारे सामने धक्का देकर चली गई, तुमने उसके हाथ नहीं तोड़े, तमाशा देख रहे हो खड़े होकर। अम्मा मैं तो वो... क्या मैं लगा रखी है तुमने? उसे साफ साफ लफ्जों में कह दो ये उसका मेका नहीं है, ससुराल है ससुराल। बुलाओ उसे, बुलाओ अभी मुझसे माफी मांगे, वरना तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगी मैं। अम्मा मुझे क्यों घर से बाहर निकालेंगे, मैंने क्या किया है? सारा कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से वो यहाँ है। मैंने इस कंगली से कौन शादी करता, अरे कौन रिश्ता भेजता इनके घर में। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ फराज, उसे कहो कि मेरे पांव पकड़ के माफी मांगे, वरना मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगी। सुना तुमने? अल्लाह जाने क्या बात है, पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई, ऐसी भी क्या मसरूफियत। ए अल्लाह, एक बेटा ही दे दिया होता, कम से कम बेटी से मिलवा तो लाता मुझे। बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? दे रहा है, सुनाइए माँ। सुनाई दे रहा है तो उठा के लाओ, देखो किसका है। चच्ची का फोन आ रहा है तो उठाओ ना, वैसी खरी खरी सुनाना और उसे बताना कि अपनी बेटी को ये तरबियत दी है कि सास से बात करने की तमीज नहीं उसे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी बात नहीं कर रही है, फरा बात कर रही हूँ चची। हाँ बेटा कैसी हो तुम, घर में सब खैरियत है ना, सब ठीक है? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत मुश्किल से दवाई देके सलाया है। या अल्लाह क्या हो गया भाभी को, क्या हुआ उनकी तबीयत को? होना क्या है, आपकी बेटी हमारे लिए मुसलसल सरदर्द। चची जरा एक बात तो बताइए, आपने जहेज नहीं दिया, हमें पता था आपकी औकात नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, समझते थे हम, लेकिन बेटी बेटी को थोड़ी तरबियत देती थी तो क्या हो जाता? बदतमीज, बदजबान, अकड़, ये सब जहेज में देना जरूरी था? ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो आएगा भी नहीं, आपकी बहू जो नहीं है
होती तो आपको पता लगता, जब वो आपको धक्के देके गिराती, आपसे बदतमीजी करती, आपके ही बेटे को आपके खिलाफ भड़काती, ऐसी बहुएं होती है ना, उनका अंजाम उससे पूछे, आग लग जाती है, जल जाती है ससुराल में। गलत नहीं कह रही मैं, यकीन नहीं आ रहा ना, सुबह आके देख लीजिए उसकी जुल्फिशाइयां हमारे घर में। और हाँ, जो आपकी बेटी ने मेरी अम्मा की अलमारी से चुरा के आपको 10,000 रुपए दिए है ना, वो लेती आइएगा, सही है ना? बहुत अच्छा किया जो खरी खरी सुने। वैसे कह क्या रही थी? कहना क्या था अम्मा, मैंने बोलती बंद कर दी। अच्छा हुआ ना, अब उनको अंदाजा होगा कि बेटी को बड़े छोटे की तमीज ना सिखाने का नतीजा क्या होता है। बहुत अच्छा, मेरे तो सर में दर्द है। चलो जाओ सर, मुझे बर्गर तो दो, भूख लग रही है। या अल्लाह, मुझे इतनी मोहलत दे दे, एक बार अपनी बेटी से बात कर सकूं, उसकी शक्ल देख सकूं। बेटा, मैं तुम्हारे सामने वाले घर से रामीन की अम्मी बात कर रही हूँ। अपनी अम्मी को फौरन मेरी तरफ भेजो। अभी इसी वक्त जाओ और जाके मेरी माँ से माफी मांगो, वरना खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, इस बात को मजाक मत समझना, जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। यू मुंह लटका के क्या बैठी हुई भाई? हाँ, याद रखना, मेरी सबसे अहम मेरी माँ है। जिस तरह तुम लोगों का हार झटका था ना, उसी तरीके जाओ, जाके उनके पाँव पकड़ के माफी मांगो। बस कर दे फराज, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे मुझे। तो मुझसे क्या माफी मांग रही हो? माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगो, मुझसे नहीं। कहाँ जा रही हो? सो चुकी होंगी, तुम्हें पता नहीं है यहाँ? दिमाग खराब करके अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है ना, तो अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफी मांगो, मांगो माफी। चुप, माफ कर दे ताई।